हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विजय अवस्थी। तो स्टूडेंट्स, हमारा जो टॉपिक चल रहा है आरडी शर्मा बुक से क्लास 9 चैप्टर नंबर 3 रैशनलाइजेशन एक्सरसाइज चल रही है हमारी आरडी शर्मा बुक से 3.2। आज की वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट करूंगा मैं, ठीक है ना। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, रैशनलाइजेशन द डिनोमिनेटर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि हमें परिमेयकरण करना है किसका, डिनोमिनेटर। तो स्टूडेंट, डिनोमिनेटर कौन सा होता है, डिनोमिनेटर है कौन सा हमारा, डिनोमिनेटर देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 3/5 √5 सॉरी। तो √5 जो है ये है हमारा डिनोमिनेटर, ठीक है ना। सॉल्व करते हैं तो देखिए हमारा, हमें क्या दिया, डिनोमिनेटर कौन सा है हमारा, ये जो है ये है हमारा अंडर रूट में डिनोमिनेटर, ठीक है ना। तो हमें इसका क्या है, रैशनलाइजेशन करना है यानी परिमेयकरण करना है। तो परिमेयकरण करने में क्या होता है स्टूडेंट, कॉन्जुगेट की मल्टीप्लाई करते हैं, क्या करते हैं कॉन्जुगेट। चलो आगे जैसे जैसे एक्सरसाइज चलेगी कॉन्जुगेट का जो रूप, जो भी अपर वर्जन आएगा वो मैं आपको बताता चलूंगा, पर यहाँ पर हम क्या करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट क्या है, आप देखिए 3 √ क्या है आपका 5। तो स्टूडेंट इसका हमें डिनोमिनेटर का जो है रेशनलाइजेशन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, कॉन्जुगेट की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। इट मीन्स √5 की ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगी, यानी न्यूमिनेटर में मल्टीप्लाई हो जाएगी, और √5 की क्या होगी, डिनोमिनेटर। तो आप देखिए 3 √5 तो क्या हो जाएगा, 3 √5, ठीक है ना। अब यहां से चलिए, अब देखिए √5 की जो √5 में मल्टीप्लाई होगी तो क्या हो जाएगा 5। तो यानी कि जो आपका आंसर बना वो क्या बन गया, 3/5 √5, या हम कह सकते हैं 3/5 √5, ठीक है ना। ये क्या हो गया हमारा आंसर, क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट है, यानी क्वेश्चन नंबर 1 का क्वेश्चन पार्ट नंबर 1 कंप्लीट है, ठीक है। पार्ट नंबर सेकंड पे चलते हैं, पार्ट नंबर सेकंड क्या है, पार्ट नंबर सेकंड है आपका, पार्ट नंबर सेकंड दिया हुआ है 3/2 √5, क्या है 3/2 √5। तो स्टूडेंट इसमें क्या करना होगा, इसे भी देख लेते हैं, इसमें भी क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में हमारा रैशनलाइजेशन में √5 है, √5 के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, करते हैं सॉल्व करके देखते हैं क्या होता है इसमें। तो देखिए 3/2 √5, इसमें भी क्या करते हैं, √5 के ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, और √5 की क्या है मल्टीप्लाई कर दो डिनोमिनेटर में। एक्चुअली स्टूडेंट होता क्या है कि अगर जो हम कह रहे हैं कि ऊपर मल्टीप्लाई कर दो नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो इसका मतलब क्या होता है, देखो जितने जो भी कोई, अगर हमने कोई भी नंबर लिया है, ठीक है, उसमें उसी से मल्टीप्लाई करो, उसी से डिवाइड करो, तो क्या कोई चेंज आता है, कोई चेंज नहीं आता, ठीक है ना। तो इसीलिए हम उसी से, जैसे होता है ना कि हम पहले क्वेश्चन में करते हैं कि किसी भी चीज में हमने 2 जोड़े और 2 घटा दिए, देखिए अगर 2 हमने किसी में ऐड करे और 2 ही हमने माइनस कर दिए तो कोई फर्क नहीं पड़ना उसके नंबर के अंदर, सेम इसी तरीके से क्या होता है, उसमें उतने से मल्टीप्लाई करा और उतने से हमने डिवाइड कर दिया तो कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है ना। तो हमने क्या करा, जो भी आपको यहाँ पर आपको ध्यान देना है, जो भी आपके पास में अंडर रूट में होगा, जो भी दिया हुआ है डिनोमिनेटर में, आप देख रहे हैं ये यहाँ पर क्या हमें दिया हुआ है √5, तो √5 से मल्टीप्लाई करा, √5 से डिवाइड कर दिया। अब देखिए अब क्या हो जाएगा, देखिए √5 की जब √5 में मल्टीप्लाई होगी तो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो देखिए क्या हो जाएगा, 3/√5 अपॉन क्या हो जाना, देखिए 2 इंटू क्या हो जाएगा, √5 के √5 में मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा, 5, यानी कि आंसर क्या मिल जाएगा हमें, 3/10 √5, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा सेकंड पार्ट का आंसर, कितना हो गया आपका, 3/10 √5, ठीक है ना, हो गया हमारा पार्ट नंबर 1। पार्ट नंबर 2 कंप्लीट है, पार्ट नंबर 3 पे चलते हैं, मैं इसे रब किए देता हूं और पार्ट नंबर 3 को सॉल्व करता हूं, ठीक है ना। तो अब देखिए पार्ट नंबर 3, पार्ट नंबर 3 हमें क्या दिया हुआ है, पार्ट नंबर 3 हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में 1/√ में क्या है 12। तो 1/√ में जो आपका 12 है, तो अब देखिए हमारे पास में डिनोमिनेटर में क्या दिया हुआ है, डिनोमिनेटर में हमें गिवन है √ में 12, तो √12 की एक काम करते हैं, √12 की मल्टीप्लाई कर दो न्यूमिनेटर में, और √12 की क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो डिनोमिनेटर में, तो क्या कितना हो जाएगा, 1 × √12 इज इक्वल टू √12 अपॉन √12 × √12, क्या हो जाएगा। देखो वैसे हम इसे, अभी मैं आपको और बताता हूँ, इसे हम एक चीज और कर सकते हैं, ऐसे नहीं करके हम एक काम करते हैं, ठीक है ना, दोनों तरीके से हम सॉल्व कर लेंगे, √12 × √12 क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, ठीक है ना। अब आप इसे एक चीज करिए, 12 को हम क्या नोट कर सकते हैं, 12 को हम कर सकते हैं 4 × √ √12, ठीक है ना। अब देखिए यहां से क्या हो जाएगा, यानी कि √4 × √3,
अपॉन 12, नेक्स्ट लाइन में नेक्स्ट आगे कर सकते हो, देखिए 4 का अंडर रूट क्या होता है 2, यानी 2 अंडर रूट 3 अपॉन 12, इससे से डिवाइड कर दीजिए 6 टाइम, यानी कि 1 अपॉन 6 अंडर रूट 3, ठीक है ना। तो हमारा आंसर क्या बन जाएगा, 1 अपॉन 6 अंडर रूट 3, ये भी कह सकते हैं, ये भी हमारा आंसर हो जाएगा, या हम क्या कर सकते हैं 1 की मल्टीप्लाई अंडर रूट 3 में कर दो, तो क्या हो जाएगा अंडर रूट 3 अपॉन 6, ठीक है ना स्टूडेंट। तो पार्ट नंबर 3 कंप्लीट। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कंप्लीट है, यानी कि फर्स्ट क्वेश्चन का पार्ट नंबर 3 कंप्लीट है। अब पार्ट नंबर 4 को सॉल्व करते हैं, ठीक है। बिल्कुल इसी तरीके से ही ये सॉल्व होने हैं। इसमें क्या करना है हमें, रेशनलाइजेशन करने के लिए, इट मींस क्या स्टूडेंट, हिंदी में बोलते हैं परिमेयकरण। परिमेयकरण करने के लिए क्या होगा, जो हमारा डिनोमिनेटर है, यानी कि देखिए ऊपर वाला ये जो होता है, देखिए ये न्यूमिनेटर होता है और ये होता है आपका डिनोमिनेटर, ठीक है ना। इसे हिंदी में बोलते हैं अंश और ये होता है हर, ठीक है ना। तो हमें क्या करना है, जो भी ड्यूमिनेटर है उसकी मल्टीप्लाई करनी है न्यूमिनेटर में और डिनोमिनेटर में, ठीक है ना। तो अब हम करते हैं इसका पार्ट नंबर 4। तो पार्ट नंबर 4 में क्या है, अंडर रूट 2 अपॉन अंडर रूट 5। अब आप ही बताइए क्या होना चाहिए इसे, ड्यूमिनेटर क्या है आपका अंडर रूट 5, जो भी अंडर रूट में आया हुआ है उसी से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है ना, मल्टीप्लाई कर दीजिए और उसी से क्या करोगे आप, डिवाइड कर दीजिए, ठीक है ना। अब देखिए अंडर रूट 2 की अंडर रूट 5 में अगर मल्टीप्लाई होती है तो कितना हो जाएगा, अंडर रूट 10 न्यूमिनेटर हो जाएगा, और अंडर रूट 5 की अंडर रूट 5 में, यानी डिनोमिनेटर में क्या आपका अंडर रूट 5 है, अंडर रूट 5 की अगर अंडर रूट 5 में मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। देखिए ये भी आपका सॉल्व है, ये आपका आंसर हो गया, या आप इसे क्या कह सकते हैं 1/5 यानी 1/5 अंडर रूट 10। तो इस तरीके से ये भी आपका आंसर बन जाएगा, ठीक है। तो पार्ट नंबर 4 कंप्लीट, पार्ट नंबर 5 पे चलते हैं। तो अब हम सॉल्व करते हैं पार्ट नंबर 5। तो देखिए स्टूडेंट अब आ गए हम नेक्स्ट पार्ट पे, अपने पार्ट नंबर 5। तो देखिए फिफ्थ पार्ट में क्या दिया हुआ है, फिफ्थ पार्ट में है हमारे पास में अंडर रूट 3 प्लस 1 अपॉन अंडर रूट 2। तो देखिए यहां पर डिनोमिनेटर क्या है हमारा, डिनोमिनेटर है हमें अंडर रूट 2, तो मल्टीप्लाई किसकी करनी पड़ेगी, अंडर रूट 2 की, क्योंकि डिनोमिनेटर क्या है अंडर रूट 2 है, तो इसी से मल्टीप्लाई कर दीजिए और इसी से क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए। अब देखिए अंडर रूट 2 की जब अंडर रूट 3 में मल्टीप्लाई होगी न्यूमिनेटर में तो क्या हो जाएगा आपका, अंडर रूट 6, ठीक है। देखिए अंडर रूट 2 की मल्टीप्लाई जब अंडर रूट 3 में होगी तो 3 2 जा 6 और अंडर रूट है तो कितना हो जाएगा, अंडर रूट 6 हो जाएगा, ठीक है ना। फिर प्लस है तो प्लस लगाएंगे, ठीक है ना, प्लस अंडर रूट 2 की 1 में मल्टीप्लाई होगी तो अंडर रूट 2। अब डिनोमिनेटर पे आ जाइए, अंडर रूट 2 की अंडर रूट 2 में मल्टीप्लाई होगी तो क्या हो जाएगा, तो यानी आपका आंसर कितना हो गया, अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2, सॉरी अंडर रूट 6, आंसर क्या बना, अंडर रूट 6 प्लस के अंडर रूट 2 अपॉन 2। पार्ट नंबर 5 कंप्लीट। 6 पे चलते हैं। तो 6 में क्या है, 6 में हमें दिया हुआ है अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 5 अपॉन अंडर रूट 3। तो देखिए इसमें भी क्या हो जाएगा, अंडर रूट की मल्टीप्लाई होनी अंडर रूट 3 की ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगी यानी डिनोमिनेटर में, और अंडर रूट 2 की अंडर रूट 3 की डिनोमिनेटर में, यानी 2 प्लस के अंडर रूट 5 हो गए और अंडर रूट 3 है तो अंडर रूट 3 से मल्टीप्लाई न्यूमिनेटर में और अंडर रूट 3 से ही मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर में। तो देखिए अंडर रूट 3 के अंडर रूट 2 में मल्टीप्लाई होगी अंडर रूट 6 प्लस के अंडर रूट 5 के अंडर रूट 3 में होगी अंडर रूट 15 अपॉन अंडर रूट 3 की अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई 3। तो आंसर अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 15, ठीक है ना। एक बार दोबारा से चेक कर लेते हैं, तो क्या है हमारा अंडर रूट 3 है तो 5 की इसमें मल्टीप्लाई हुई अंडर रूट 6 हो गया और 5 की 3 में ही अंडर रूट 15 अपॉन 3, बिल्कुल ठीक है। पार्ट नंबर 6 भी कंप्लीट है। अब 7 और एक पार्ट रह गया है, उसे भी सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। रब किए देता हूं मैं सर, बहुत ही आसान है। आपको ध्यान रखना है जो भी आपका डिनोमिनेटर है यानी जो भी आपको हर है उसी में, अगर उसमें पार्ट अंडर रूट में है तो उसी से मल्टीप्लाई कीजिए, उसी से डिवाइड। अब चलते हैं पार्ट नंबर 7 पर, जो कि हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है, यानी 3 अंडर रूट 2 अपॉन अंडर रूट 5। अंडर रूट 5 से अब तो आपके समझ आ गया होगा, अंडर रूट 5 से मल्टीप्लाई, अंडर रूट 5 से मल्टीप्लाई, अंडर रूट 5 से डिवाइड, तो क्या हो जाएगा, देखिए 3
अंडर रूट टेन, फाइव टू से क्या हो जाएगा टेन, यानी अंडर रूट टू के अंडर रूट फाइव में मल्टीप्लाई टेन हो गया, ठीक है, अपॉन फाइव। तो आंसर कितना हो गया, फाइव थ्री अंडर रूट टेन अपॉन फाइव। तो ये भी जो है हमारा सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर यानी एक्सरसाइज नंबर 3.2 का पार्ट नंबर यानी क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो हमारा कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं, ठीक है, आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ है, देखो बिल्कुल इसी तरीके से ही है, कोई ज्यादा इसमें टफ वाली कोई बात नहीं है, बट इसके अंदर क्या हो जाएगा, थोड़ी सी हमें वैल्यूज पुट करनी है, ठीक है ना। तो यानी कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए सबसे पहले हमें सॉल्व क्या करना है, क्वेश्चन क्या उसे पढ़ लेते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ थ्री प्लेस ऑफ द डेसिमल ईच ऑफ द फॉलोइंग इज गिवन दैट, यानी हमें क्या है, हमें इनकी पॉइंट के यानी डेसिमल में थ्री प्लेस वैल्यू तक इनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हमारे पास क्या है, फर्स्ट पार्ट क्या है, टू अपॉन अंडर रूट थ्री। अब देखिए कुछ हमें वैल्यूज भी हमें दे रखी है, अंडर रूट टू की वैल्यू अगर हमें कहीं पर पुट करनी होगी तो 1.414 पुट करनी है, अंडर रूट थ्री की वैल्यू जो है हमें 1.732 पुट करनी है, अगर अंडर रूट फाइव आए तो 2.236 एंड अंडर रूट टेन की वैल्यू 3.162, ठीक है ना। जैसे जैसे आपको ये आते जाएंगे आपको मैं बताता जाऊंगा और आप पुट करते जाए सॉल्व होता जाएगा, ठीक है ना। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन यानी फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं, ठीक है, यानी कि क्या है फर्स्ट पार्ट में क्या है आपका, टू अपॉन अंडर रूट थ्री। तो टू अपॉन अंडर रूट थ्री में देखिए जैसे हमने पहले कैसे करा था इसे, जैसे कि हमने हमने पहले क्वेश्चन करे थे, हमने क्या करना पड़ेगा, रैशनलाइजेशन करना पड़ेगा। तो रैशनलाइजेशन करने के लिए क्या करेंगे, अंडर रूट थ्री से मल्टीप्लाई और अंडर रूट थ्री से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो हमें क्या मिल जाएगा, टू अंडर रूट थ्री अपॉन थ्री, अंडर रूट थ्री की अंडर रूट थ्री में मल्टीप्लाई होगी तो क्या हो गया, थ्री हो गया। अब देखिए यहाँ से स्टूडेंट क्या करना है, अंडर रूट थ्री है, अंडर रूट थ्री की वैल्यू क्या है, हमें देखिए क्वेश्चन में पहले दी हुई है, अंडर रूट थ्री की वैल्यू है 1.732, तो 2 के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे 1.732, यानी कि यहां से क्या हो जाएगा, 2 * अंडर रूट 3 की वैल्यू की मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी वो वैल्यू क्या दे रखी है हमें, 1.732 1.732 अपॉन 3, तो यानी 2 की मल्टीप्लाई 1.732 में आप कर दीजिए। तो 2 की मल्टीप्लाई अगर 1.732 में करते हैं तो क्या आ जाएगा आपका, 3.464। 2 की मल्टीप्लाई अगर हम 1.732 में करते हैं तो क्या आ जाएगा, 3.464 अपॉन 3। या तो आप इसे यहां पे ही छोड़ दीजिए, वरना क्या करेंगे हम इसे डिवाइड कर देंगे, क्योंकि हमें तो डेसिमल में निकालना है 3 पॉइंट, तो हमें डिवाइड करना पड़ेगा। 3 से अगर हम 3.464 को डिवाइड करते हैं तो स्टूडेंट्स जो हमारा आंसर आएगा, मैंने आपकी समय बचाने के लिए कैलकुलेशन पहले से की हुई है, आप कैलकुलेशन करके एक बार चेक कर लीजिए, यानी 1.1546667 आएगा, ठीक है ना। बट हमें अपने आंसर में क्या दिया हुआ है, हमें अपने आंसर में दिया हुआ है क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है कि इसकी थ्री प्लेस तक निकालना, तो थ्री प्लेस तक लिख देंगे, यानी थ्री प्लेस तक में आप आंसर कितना हो जाएगा, 1.154। आप यहां तक करेंगे तो भी आपका आंसर बिल्कुल ठीक है, क्योंकि हमें क्वेश्चन में क्या बोला गया था, थ्री प्लेस तक वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट समझ आ गया, ओके डन, नेक्स्ट यानी सेकेंड पार्ट पे चलते हैं। तो स्टूडेंट अब हम करते हैं इसका सेकेंड, नोट कर लीजिएगा आप इसे, वीडियो को पॉज कर लेना अगर मैंने ये पहले रफ कर दिया है, तो वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। सेकंड पार्ट को देखिए, 3 अपॉन अंडर रूट 10। अब देखिए करने के लिए तो हम एक काम भी कर सकते हैं कि सीधा अंडर रूट 10 की वैल्यू कर दो, क्योंकि हमें डोमिनेटर क्या मिल रहा है, डोमिनेटर क्या है हमें, देखिए डोमिनेटर क्या अंडर रूट 10 है, आप समझदारी दिखा सकते हो और यहां से क्या कर सकते हो, अंडर रूट 10 की वैल्यू पुट करो, डिवाइड कर दो 3 से, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। बट नहीं, क्योंकि हमें क्या है, रेशनलाइजेशन करना है इसका, तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, अपने प्रोसेस के साथ में चलेंगे। तो देखिए ये तो हुआ, हमें क्वेश्चन दे रखा था, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, अंडर रूट 10 की मल्टीप्लाई करेंगे और अंडर रूट 10 से इसे डिवाइड कर देंगे, यानी 3 अपॉन स्क्वायर रूट 10 इंटू स्क्वायर रूट 10 अपॉन स्क्वायर रूट 10। अब 3 की मल्टीप्लाई जब अंडर रूट 10 में होगी तो कितना हो जाएगा, 3 अंडर रूट 10 और अपॉन 10 इंटू 10 इक्वल टू 10, ठीक है ना। अब देखिए 3 इंटू, अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, क्वेश्चन में अंडर रूट 10 की वैल्यू क्या दे रखी है, 3.162। ये वैल्यू हमें अपने यहाँ पर अंडर रूट 10 की जगह पर प्लेस पे क्या होगी, पुट करनी है, ठीक है ना। तो पुट कर देते हैं, जब हमें पहले दिया हुआ 3.162 अपॉन 10, ठीक है ना। अब 3 की मल्टीप्लाई 3.162 के अंदर अगर हम करते हैं तो स्टूडेंट हमें क्या मिलेगा, हमें यहाँ से मिलेगा 9.4 8
सिक्स अपॉन डिनोमिनेटर क्या है हमारे पास में, टेन, टेन से इसे डिवाइड कर दीजिए। अच्छा अगर आप इसे टेन से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0.9486, ठीक है ना। तो हमें आंसर क्या मिलेगा, 0.9486। हमें अपने आंसर में थ्री प्लेस वैल्यू तक निकालना था, ठीक है ना, तो इसलिए हम इस आंसर को पहले लिख देंगे 0.9488, यहाँ तक ही लिखेंगे और आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो हमने पार्ट नंबर सेकंड भी कंप्लीट कर लिया, पार्ट नंबर थर्ड पे चलते हैं, नोट कर लीजिए इसे, पार्ट नंबर थ्री को सॉल्व करते हैं। तो देखिए पार्ट नंबर थ्री पे आ गए हम, देखा कितने एकदम आसानी से होते जाएंगे, आपको बस हल्का सा जो है इसका कॉन्सेप्ट समझना होता है और कुछ ऐसा खास इसके अंदर टफ है नहीं, ठीक है ना। पार्ट नंबर थ्री पे चलते हैं, अंडर रूट फाइव प्लस वन अपॉन अंडर रूट टू। अब देखिए अब आपके पास में क्या डिनोमिनेटर में क्या है, अंडर रूट टू, तो यानी कि अंडर रूट टू की डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे और उसी से इसे डिवाइड कर देंगे, ठीक है ना। तो इसका रेशनलाइजेशन हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा जी। तो रेशनलाइजेशन करने के लिए क्या करेंगे हम, इसे अंडर रूट फाइव प्लस वन अपॉन अंडर रूट टू किससे मल्टीप्लाई करना है, अब तो आपको पता चल गया होगा, अंडर रूट टू से मल्टीप्लाई करना है और अंडर रूट टू से क्या करना है, डिवाइड। तो देखिए अंडर रूट टू की अंडर रूट टू में मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा डिनोमिनेटर में, तो टू आ जाएगा। अब ऊपर के में आ जाते हैं, अंडर रूट टू की अंडर रूट फाइव में मल्टीप्लाई हुई तो कितना हो गया, अंडर रूट टेन प्लस अंडर रूट टू की मल्टीप्लाई वन में हुई तो अंडर रूट टू, ठीक है ना। अब हमारे पास हो गया अंडर रूट टेन, ठीक है ना। अब हमारे पास कितना हो गया, अंडर रूट टेन हो गया और इसके साथ में क्या हो गया आपका, अंडर रूट। अब इन दोनों की वैल्यू हम पुट करके निकालते हैं, तो हमें देखिए अब हमें ये दोनों ही वैल्यू, आप अपने इसमें चलिए देखिए, अंडर रूट टू की वैल्यू भी हमें गिवन है, अंडर रूट टू की वैल्यू यहाँ पर प्लेस कर देंगे, अंडर रूट टेन की वैल्यू भी गिवन है, अंडर रूट टेन की वैल्यू भी यहाँ पर प्लेस कर देंगे। यानी अंडर रूट टेन की वैल्यू मैं प्लेस कर रहा हूँ 3.162 प्लस है, तो प्लस लगाइए, अंडर रूट टू की वैल्यू, अंडर रूट टू की वैल्यू क्या है, 1.414 अपॉन। अब देखिए दोनों को ऐड कर देते हैं, 3 and 4 इज इक्वल टू कितना हो गया, 6 6 लिख लेते हैं, 1 and 6 7 7 हो गया, ठीक है। देखिए 4 and 1 5 5 हो गया, डेसिमल है डेसिमल लगा लीजिए, 3 + 1 इज इक्वल टू 4, यानी ऐड होके कितना आ गया, 4.576 अपॉन 2, ठीक है ना, 576 अपॉन 2 हो गया। अब इसे क्या करेंगे, डिवाइड कर देते हैं, उसे अगर हम इससे डिवाइड कर रहे हैं तो आ रहा है 2.288, ठीक है ना, 2.288। तो स्टूडेंट्स हमारा आंसर मिल गया है हमें, पार्ट नंबर थ्री कंप्लीट है, ठीक है ना। पार्ट नंबर वन, पार्ट नंबर टू, पार्ट नंबर थ्री हमारे कंप्लीट हो गए। अब चलते हैं पार्ट नंबर फोर को करने के लिए। अब देखिए 1 2 3 जो थे हमारे, 1 थोड़ा छोटा था, इजी था, 2 उससे थोड़ा सा वैसे ही था बिल्कुल सेम, 3 हल्का सा अपर वर्जन हो गया था, ठीक है। अब 4 5 6 और थोड़े थोड़े अपर वर्जन होते चले जाएंगे, ठीक है ना, समझते हैं, चलिए साफ कर दो मैं इसे। अब करते हैं हम अपना क्वेश्चन नंबर, यानी पार्ट नंबर फोर को। पार्ट नंबर फोर क्या है, स्क्वायर रूट 10 प्लस के स्क्वायर रूट 15 अपॉन स्क्वायर रूट। तो स्टूडेंट अब क्या करना है हमें इसका, हमें इसमें भी क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले परिमेयकरण करना पड़ेगा इसका, परिमेयकरण करने के लिए यानी रेशनलाइजेशन करने के लिए क्या करेंगे, जो भी हमारे पास है डिनोमिनेटर में जो भी अंडर रूट में वैल्यू है उससे मल्टीप्लाई करो और उसी से डिवाइड कर दे, जैसा कि हम अपने पहले प्रीवियस क्वेश्चनों में भी करते आ रहे। तो आप देखिए अंडर रूट टू की मल्टीप्लाई जब अंडर रूट टेन में होगी तो कितना हो गया, अंडर रूट 20 प्लस अंडर रूट टू की जब 15 में मल्टीप्लाई हुई तो कितना हो गया, अंडर रूट 30 अपॉन अंडर रूट टू की 2 में मल्टीप्लाई करी तो 2 आ गया हमारे पास, आगे नहीं आ गया, बहुत ही सिंपल सा था, सॉल्व हो गया। अब इसके बाद हमें क्या करना है, अब देखिए अब हमारे पास यहाँ से जो मिल गया है अंडर रूट 20 प्लस अंडर रूट 30 अपॉन 2, तो अब हम अगर इसे स्टूडेंट देखें तो हम इसे क्या कर सकते हैं, हम इसे कर सकते हैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट में हम चेंज कर लेते हैं। तो इसमें से अगर हम देखें तो 20 को हम क्या नोट करते हैं, देखो 20 को हम कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 10, अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 10 कर देंगे। अब देखिए दोनों की वैल्यू हमारे पास में गिवन है, अंडर रूट 2 की वैल्यू भी है, अंडर रूट 10 की वैल्यू भी है, हमें डेसिमल में दी हुई है कि नहीं दी हुई, बिल्कुल। अच्छा अब 30 को क्या कर सकते हैं, 30 को कर देता हूं मैं अंडर रूट 3 इंटू
अंडर रूट 10 अपॉन 2। अब देखिए सबकी वैल्यू आप रख दीजिए ऊपर से, अंडर रूट 2 की वैल्यू रख दीजिए 1.414, ठीक है ना, इनटू अंडर रूट 10 की वैल्यू रख दीजिए, अंडर रूट 10 की वैल्यू क्या है 3.162, प्लस है तो प्लस लगा दीजिए, अंडर रूट 3 की वैल्यू 1.732 इनटू अंडर रूट 10 की वैल्यू 3.162, ठीक है ना, अपॉन 2। अब इन सबको क्या करो, ऐड कर दो, चाहते तो आप इसमें कॉमन भी ले सकते थे और तब भी आप इसे सॉल्व कर सकते थे। तो अब क्या है देखिए, अंडर रूट 2 की वैल्यू 1.41 की जब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 3.162 में, ठीक है ना, तो थोड़ी जगह कम होगी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो मैं थोड़ा समझ जाता हूं, ठीक है। अब यहां समझ रहे हैं, तो देखिए स्टूडेंट इन दोनों की जब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमें मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट क्या मिलेगा, हमें प्रोडक्ट मिलेगा 4.471068, ठीक है, 4.471, आप ध्यान दीजिए 4.471068, ये किस किस से आया मल्टीप्लाई करके, 1 देखिए किस किस की मल्टीप्लाई हुई है 1.414 यानी अंडर रूट 2 की वैल्यू और अंडर रूट 10 की वैल्यू की मल्टीप्लाई करके, तो प्रोडक्ट क्या आ गया हमारा ये। अब बीच में यहाँ पे क्या है, प्लस है तो प्लस लगा दीजिए, प्लस लगा लेते हैं। अब आगे मल्टीप्लाई करते हैं, आगे किस किस की 1.732 की 3.162 में मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, तो इसमें मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आया है 5.476584, ठीक है, अपॉन 2। अब दोनों को इन वैल्यूज को दोनों को ऐड कर दीजिए और 2 से डिवाइड करेंगे, तो दोनों को ऐड कर लेते हैं, तो दोनों को भी ऐड करने के बाद क्या आ गया है हमारा, दोनों को ऐड करने के बाद आया है हमारा 9.947652 अपॉन 2, ठीक है। अब 2 से कर दो इसे डिवाइड, 2 से इसे डिवाइड कर दीजिए, तो 2 से डिवाइड करने के बाद आ गया आपका 4.973826। अब स्टूडेंट देखिए जैसा कि हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था कि हमें 3 डेसिमल तक लेके चलना है, तो यानी 4.973 ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है ना। तो हमारा ये कौन सा पार्ट हो गया, पार्ट नंबर 4 कंप्लीट है। अब हम करते हैं पार्ट नंबर 5 क्वेश्चन। तो स्टूडेंट अब हम कर रहे हैं अपने क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 2 का क्वेश्चन, ये जो है पार्ट नंबर 5। तो पार्ट नंबर 5 क्या दिया हुआ है हमें, पार्ट नंबर 5 में है 2 प्लस के अंडर रूट 3 अपॉन 3। तो अब स्टूडेंट देखिए 2 इसमें क्या करेंगे, देखिए रेशनलाइजेशन यानी डिनोमिनेटर का परिमेयकरण करने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है, क्योंकि हमें यहाँ पर डिनोमिनेटर क्या दिया हुआ है 3 दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे अंडर रूट 3 की वैल्यू पुट कर देंगे, यानी 2 प्लस अंडर रूट 3 की वैल्यू क्या है, तो देखिए अंडर रूट 3 की वैल्यू है 1.732, ये डेसिमल है, अपॉन 3। तो 1.732 में अगर हम 2 ऐड करते हैं तो कितना होगा 3.732 हो गया, अपॉन 3 हो जाएगा, 3 से इसे डिवाइड कर दीजिए, तो स्टूडेंट 3 से डिवाइड करने पर क्या आ गया आपका 1.244, और यही हमारा आंसर है, ठीक है ना, क्योंकि हमें 3 पॉइंटों तक निकालना था, डेसिमल के बाद में 3 नंबर तक और डेसिमल के बाद में 3 नंबर हमारे आ चुके हैं, 2 पॉइंट यानी 1 पॉइंट, डेसिमल के बाद कौन सा नंबर 244, तो हमारा जो 5 है वो कंप्लीट हो गया, ठीक है ना। अब हम अपने क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट कर रहे हैं, जो कि पार्ट क्या है 6, ठीक है ना, इसे भी सॉल्व करते हैं। तो देखिए मैं इसे साफ कर देता हूं और अब हम चल रहे हैं अपने पार्ट नंबर 6 को सॉल्व करने। ये है हमारा अंडर रूट 2 माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 5। तो स्टूडेंट हमें क्या करना है इसमें, इसका भी हम परिमेयकरण करेंगे, क्योंकि हमारे पास में डिनोमिनेटर जो है वो क्या है अंडर रूट 5 है, तो हमें क्या करना पड़ेगा अंडर रूट 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, अंडर रूट 5 से डिवाइड कर दीजिए, वही करते हैं अंडर रूट 5 से मल्टीप्लाई और अंडर रूट 5 से क्या करा डिवाइड कर दिया। तो अब स्टूडेंट देखिए अंडर रूट 5 की जब अंडर रूट 2 में मल्टीप्लाई होगी तो प्रोडक्ट क्या बन के आ जाएगा अंडर रूट 10, माइनस 1 में मल्टीप्लाई करी तो अंडर रूट 5 अपॉन अंडर रूट 5 की जब अंडर रूट 5 में मल्टीप्लाई करी तो 5, ठीक है। अब क्या करते हैं हम स्टूडेंट इसमें अंडर रूट 10 यानी इन सब की क्या करते हैं वैल्यू को हम पुट कर देते हैं, ठीक है ना। तो अंडर रूट 10 की वैल्यू पुट कर देता हूं मैं, तो अंडर रूट 10 की वैल्यू क्या दे रखी है हमें देखिए 3.162, तो पुट कर
कर दीजिए 3.162, ठीक है ना। और इसके साथ में क्या है, ये माइनस है बीच में, ठीक है ना, माइनस का साइन है, माइनस लगा दीजिए। अंडर रूट फाइव की वैल्यू क्या दे रखी है, 2.236 अपॉन 5। अब स्टूडेंट देखिए 3.162 माइनस के 2.263 अगर हम इसमें से माइनस करते हैं तो हमें आंसर क्या मिलेगा, हमें आंसर मिल रहा है 0.926, ठीक है, अपॉन 5। 5 से इसे डिवाइड कर दीजिए, 5 से डिवाइड करने पर स्टूडेंट हमें क्या मिल गया, डिवाइड करने पाया 0.1852। क्वेश्चन में मैं कहा हुआ था कि पॉइंट के बाद के तीन अंक हमें लेने हैं, तो पॉइंट के बाद के तीन अंक कौन से हो गए हमारे, 185, यानी कि जो हमारा आंसर आ गया 0.185। तो स्टूडेंट यही हमारा आंसर है, ठीक है ना। तो स्टूडेंट हमने क्वेश्चन अपने जो एक्सरसाइज जो हमारी चल रही है 3.2, ठीक है ना स्टूडेंट, जो हमारी एक्सरसाइज 3.2 इसका हमने ये देखिए 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट है। क्वेश्चन नंबर 2 के भी हमने लास्ट पार्ट यानी पार्ट नंबर 6 तक 1, 2, 3, 4, 5, 6 सारे पार्ट हमने कंप्लीट कर दिए। नेक्स्ट वीडियो में यानी जो अब आगे जो वीडियो आएगी उसमें इस एक्सरसाइज के आगे के क्वेश्चन में कवर करूंगा। जब तक स्टूडेंट अपना रिवीजन करते रहिए, और अगर वीडियो पसंद आई हो, क्वेश्चन आपको समझ आए हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। बाय बाय।